करेगा, ताज हमारा राज करेगा, राज करेगा, ताज करेगा। जनाब ताज साहब, जनाब ताज साहब, चलो 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 चलो। बस शुक्रिया जनाब, हम फिलहाल कॉलम की आवाज के लिए खुश कर आज आपको पता ही है आपका कायद शेरी पहाड़ फकरे पहाड़ ताजमुद्दीन साहब गोहालन के अंदर तशरीफ ला चुके हैं और आपको पता ही है कि ताज साहब एक ऐसी शख्सियत है जो आज सवेरे से आप लोग इंतजार कर रहे थे उस घड़ी की कि जो आपका एक दिल में एक ही ख्वाब था कि हम आज काफी टाइम के बाद ताज साहब ने यहाँ गोहालन में जो कि एजेंटगिरी करते हैं बीजेपी की और जमातों की। मेरे भाइयों, मैं खासकर अपने एसटी के भाइयों से मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि ये बेल्ट एसटी बेल्ट है। ताज मोहिद्दीन की कदर आपको 14 के बाद आई होगी, और जब से ताज साहब डीडीसी मेंबर बने हैं इनको कोई जरूरत नहीं थी डीडीसी इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री थे, इनको मेंबर का इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये क्यों लड़े कि इनका हाथ एडमिनिस्ट्रेशन पे रहे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में चले, और हुआ भी वैसा ही कि आज ताई साहब मेंबर हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे हाथ है किसके लिए, आप लोगों के लिए। यहाँ आज मैं यहाँ कोहालन में आया हूँ, दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, मगर एक अजब चीज देखी कि यहाँ रोड पानी वगैरह का सारा इंतजाम मैंने 2014 में किया था, मगर आज रोड की हालत यह है कि गाड़ी नहीं चल सकती। PMGSY की रोड है, नहीं चल सकती। पानी की स्कीमें जो है अधूरी रह गई, छोटी कॉर्नर रोड गई नहीं। क्या ये सिर्फ सरकार ताज मोहिद्दीन के साथ चलती थी? ताज मोहिद्दीन ने छोड़ दिया तो सरकार बंद हो गई? क्या महकपुर ने काम करना बंद कर दिया? क्या PHE ने काम करना बंद कर दिया? ये मेरी समझ में नहीं आता। ये बहुत ही गरीब इलाका है, इसमें स्कूल वगैरह हाई स्कूल मैंने दिया हुआ है, मगर उसके बाद 2014 के बाद जिस तरह बंद हो जा सिम सिम कहते हैं, उसी तरह सारा काम बंद हो गया, कोई काम नहीं हुआ, एक रुपए का काम नहीं हुआ। जो बनी हुई सड़कें थी वो बर्बाद हो गई, वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल नहीं की गई, जहाँ तक पहुँची थी वहीं तक रखा गया, पंचायत काम ही नहीं कर रही, पंचायत के काम कहीं नज़र ही नहीं आते, और पंचायत क्या कर रही है ये पूछने के लिए BDO कभी यहाँ नहीं आया। BDO को चाहिए कि खुद आए और देखे कि यहाँ पे क्या काम हुए हैं, क्या वो काम हुए हैं या कागजों पर ही पैसा निकला है। यहाँ के लोगों ने कहा कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा पंचायत का,
उसलिए एक टीम बनाऊंगा। मैं SDM साहब को भी कहूंगा, ACD साहब को भी कहूंगा कि इस इलाके में एक टीम बनाई जाए, जो करोड़ों रुपया हर साल आता है वो कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए वो कामों का मुआयना करें। ये नहीं कि पुरानी दीवारों को सीमेंट करके कह दे ये दीवार बना दिए, पुराने ही रस्तों को कहें कि ये बने हुए हैं, नए रस्ते तो मैंने देखे कहीं नहीं। इस किस्म की चीज़ें, ये दूर अफ्तादा जो गांव होते हैं इनमें ये चीज़ें होती हैं। और मेरी गुजारिश है BDO साहब को कि वो कभी आया BDO यहाँ, कभी अभी तक नहीं आया, हद ये हुई है। पावर के एक एक मकान में, पावर की टैरिफ तो गवर्नमेंट, ये जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, मगर एक एक घर में दो दो बिले, एक स्ट्रक्चर की एक ही बिल होगी, मगर देखा गरीब लगा दी दो दो बिले, दो दो बिल लगा दी। किस बात पे? एक ही मकान है, बाप बेटा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो दो बिले क्यों? एक एक मकान में दो दो बिले। वो बिजली है ही नहीं, बिजली होती नहीं है यहाँ। तो इन चीजों का ख्याल रखे एडमिनिस्ट्रेशन को, SDM साहब को भी गुजारिश करूंगा कि वो भी एक दिन यहाँ आए, इस गांव के आए, PHC की जो स्कीमें पड़ी हुई है वो भी आए, खुद देखे कि ये स्कीमें पिछले 8 साल से क्यों बंद है, रोड की आगे की कंस्ट्रक्शन क्यों बंद हो गई, क्या ये सरकार सिर्फ ताजमहीदीन के साथ ही चलती थी कि ताजमहीदीन चला गया तो सरकार बंद हो गई, पैसा है, सेंक्शन है, बनती क्यों नहीं? ये गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता, गरीब जो है जिसकी सुनवाई नहीं है उसको कोई नहीं पूछता, उसके लिए कोई नहीं है। ये सरकार बिल्कुल बेहस हो चुकी है, ये गरीब तरीन गांव है, इसमें वो आए और खुद देखें।